बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पर ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक है, जबकि बिल्कुल फोरग्राउंड पर यानी मेरे बिल्कुल सामने मेट्रो बस गुजर रही है। लाहौर शहर को, लाहौरियों को मेट्रो बस तो मुहैया हो चुकी, लेकिन ये ऑरेंज ट्रेन लाहौरियों के हिस्से में कब आएगी, लाहौरी इसके ऊपर सफर कब करेंगे, इसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। आज आपको लेटेस्ट खबर दें कि आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने केस की समाअत की, एक मरतबा फिर चीफ इंजीनियर एलडीए की सरजनिश की और उनसे कहा कि आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, इस केस को शुरू हुए 3 महीने गुजर गए। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि जो तामीराती कंपनियाँ हैं जिन्होंने ऑरेंज ट्रेन का ठेका ले रखा है, उसको कंप्लीट करने का ठेका ले रखा है, इन तामीराती कंपनियों ने लाहौर की बड़ी बड़ी ग्राउंड्स को, वो बड़ी बड़ी ग्राउंड्स जिनके ऊपर तलबा तालिबात का हक है, वो खेलों की सरगर्मियां करते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब इस कब्जे से मुतालिक केस की समाअत ने चीफ जस्टिस ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ अली अकबर कुरैशी साहब ने चीफ इंजीनियर एलजीए की सरजनिश की और कहा कि आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं और 3 महीने से अदालत आपसे जवाब मांग रही है और आप जवाब देने से कासिर रहे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, इन ग्राउंड्स का हाल आपको दिखाते हैं और तमाम हकायक से पर्दा उठाते हैं। आइए चलिए। नाज़रीन, ये है वो ग्राउंड जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड है और इस तरफ आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का हेले कॉलेज है। इसके अलावा ये जो ग्राउंड है आपको थोड़ी सी सरसब्ज नजर आ रही है। माजरत के साथ और बदकिस्मती से हम एक ऐसे माशरे से ताल्लुक रखते हैं जहां पर जो काम होता है वो आसानी से नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर घास है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े बिल्डोजर्स या गाड़ियाँ आपको नजर नहीं आ रही हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है, यानी इसके ऊपर एफर्ट लगाई गई है। ये जो ग्राउंड है इसको बहाल करवाने के पीछे पूरा का पूरा एक सिस्टम था जिसने काम किया। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने एडवोकेट अजहर सदीक साहब की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। अजहर सदीक साहब ने जो दरख्वास्त दी थी उसका मतन ये था कि जो लाहौर की ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कब्जा कर रखा है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ये कहती है, उनके कानूनी मशीर ये कहते हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया ठेका वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट के जो मंजूरी थी उसके बाद ये ठेका दिया गया और कंस्ट्रक्शन कंपनी को के ऊपर ये शर्त लागू थी कि वो जिस ग्राउंड पे और वो तालीमी ग्राउंड उनको उसके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं या फिर कोई भी अपना काम करते हैं तो वो उस तालीमी इदारे को पैसे देंगे, यानी पैसे देने के मजाज होंगे। ये पैसे भी नहीं दिए गए, इन ग्राउंड्स का भी बुरा हाल किया गया और तलबा तालिबात को खेलों की सरगर्मियों से भी दूर रखा गया। अब जुलाई के महीने से लेकर अब तक 3 माह गुजर चुके, जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने आज फिर इस केस की समाअत की और बरहम हुए और एलजीए की चीफ आयशा इमरान को हिदायत की कि वो इस मामले की तहकीकात करें, जबकि इस मामले की तहकीकात के लिए कमीशन भी बनाया गया। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि एलडीए के चीफ इंजीनियर हैं, उनकी सरजनिश भी की गई, उनकी जो माफी है उसको भी मुस्तरद कर दिया गया और इसके ऊपर 2 बजे यानी आज दिन 2 बजे जवाब भी तलब कर लिया गया। अब बकायदा जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है आइए वो भी मैं आपको देती हूँ। नाज़रीन, मुजाहिद कामरान साहब जो कि साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने ये इजाजत दी थी कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो जो तालीमी इदारों की ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर तामीराती काम जो हैं वो अपना कर सकती हैं। मुजाहिद कामरान साहब का ये कहना है और पंजाब यूनिवर्सिटी के कानूनी मशीर का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी के सेनेट की जो कमेटी है उसकी मशावरत से ये जो ग्राउंड्स हैं उनको यूटिलाइज करने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा ये बात भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि तामीराती कंपनी के ऊपर लागू था कि वो इस ग्राउंड को इस्तेमाल करने का किराया वो यूनिवर्सिटीज को दें, लेकिन क्या किराया दिया गया? नहीं, 2.4 मिलियन रुपए
वाजिबात की अदायगी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने इन तामीराती कंपनी को आगाह कर दिया है कि वो 2.4 मिलियन की जो रकम है वो अदालत में जमा करवाएंगे। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं उनको मुकम्मल बहाल करेंगे। अब ये ग्राउंड मैं आपको दिखा दूं कि इसको बहाल किस हंगामी सूरत हाल में किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ अब मुझे चील और कौवे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई खेलों की सरगर्मियाँ हो ही नहीं सकती। आपको ग्राउंड का हाल दिखाया अगर मेरे कैमरा मैन जूम इन करके, जो तामीराती कंपनियाँ हैं उन्होंने कुछ इस सूरत हाल में ये ग्राउंड छोड़ी है। ना तो यहाँ पे कोई खेलों की सरगर्मी हो सकती है, ना ही यहाँ पर कोई तलबा तालिबात कोई अपनी एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो जमीन है वो ना हमवार छोड़ दी गई है, कहीं कहीं घास के पैचेस लगा दिए गए हैं। जो ग्राउंड है उसमें आप देख सकते हैं कि जगह जगह गंद भी है, और इसके अलावा इस तरफ आप देख सकते हैं कि खंबा है और वहां से लोहे के रॉड्स और पिलर्स निकले हैं जो कभी भी किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। अब ये भी मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो ग्राउंड है उसका कुछ हिस्सा ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी ऑक्यूपाई किया गया है, यानी कुछ आराजी भी ऑक्यूपाई की गई है। ये शेप जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, जिस तरह से एक मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें एक पब्लिक पार्क था उसकी जगह एक्वायर कर ली गई थी सड़क बनाने के लिए, इस पार्क की जगह एक्वायर की गई है ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शेख जैनुल आबिदीन ने, इनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जैन, आप देख रहे हैं कि हम पार्क की बहाली के लिए बहुत आवाज उठाते हैं, हमने एक पब्लिक पार्क बहाल करवाया था, कोशिश ये है कि जिस तरह के दीगर पार्क हैं इनको भी हम, जो बागात का शहर लाहौर को कहा जाता है उसका टाइटल, किसी न किसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा भी हिस्सा डालें तो वो बहुत है। आप देख रहे हैं कि एक्वायर की गई है ऑरेंज लाइन के लिए जगह, इस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बहुत बड़े अरसे तक कब्जा कर रखा, खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। ये ग्राउंड कैसी देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप एक बॉय हैं और लड़कों को ज्यादा पता होता है कि कौन सी ग्राउंड के ऊपर कैसा खेल हम खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं आप यहाँ? शुक्रिया मदीहा अबद अली। सबसे पहले तो क्रिकेट खेलने वाली बात, तो ये ग्राउंड अभी क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए गए तो वो गलत ना होगा। मेट्रो बस की जब तमीर थी तब भी इसी ग्राउंड को इस्तेमाल किया गया, फिर जब मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की तमीर की जानी थी फिर भी इस ग्राउंड को इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता था। और उस वक़्त जो मुआहदा किया गया उसमें ये मुआहदे में लिखा गया था कि जिस तरह ग्राउंड ले रहे हैं उसी तरह ही ये ग्राउंड वापस करेंगे और उसका बकायदा तौर पर किराया भी दिया जाएगा। ये दोनों शरायत ही नहीं मानी गई। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास हुआ, उस वक्त DGLD आहद खान चीमा थे जो इस वक्त नैब की हिरासत में हैं, अब वो जुडिशल हो चुके हैं, तो उन्होंने ये मुआहदा करवाया था। खैर, इस ग्राउंड को 2011 से मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है और 3 माह कबल हाई कोर्ट के मुअज्जिज़ जज जस्टिस अली अकबर कुरैशी की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि इस ग्राउंड को पुरानी हालत में बहाल किया जाए। मैं जो हम लेटेस्ट अपडेट है जरा उस पर हम बाद में आएंगे, मेरी गुजारिश ये है कि जरा ये बयान करिए यहाँ पे किस किस्म के फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे। यहाँ पर मैंने खुद देखा है यहाँ पे गुजरते हुए कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक खेला करते थे यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है मदीहा। अब जो बात है कि ग्राउंड पुरानी हालत में बहाल करें तो पहले जस्टिफाई करने की ज़रूरत है कि पुरानी हालत क्या थी। यहाँ पे 3 गेम्स खेली जाती थी, एक तो क्रिकेट थी, हॉकी का भी यहाँ पर स्टेडियम था और फुटबॉल भी खेला जाता था। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड से जो मुल्हिका इलाके हैं सारे, ये चुबुर्जी का इलाका है, उसके बाद शामनगर का इलाका है, इस्लामपुरा का इलाका है, फिर पीछे सेक्रेटेरिएट है, इस सारी आबादी के लिए ये वाहद ग्राउंड है। इसके अलावा कोई हुकूमत ने उनको जो यूनिवर्सिटी मैचेस, इसके अलावा फर्स्ट क्लास मैचेस, अल्टीमेटली ये तो अभी हम बात करें ग्रास रूट लेवल पे। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आपके बड़े जो प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं वो भी यहाँ पर खेल चुके हैं, यूनिवर्सिटी के मैचेस हुआ करते थे। दीगर जो हमारे सूबा जात हैं वहाँ से जो यूनिवर्सिटीज़ की टीमें थी वो यहाँ पर आकर मैच खेलती थी। उस वक्त मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनी तो नहीं लेकिन ये ग्राउंड को वो तबाह कर गई। यहाँ पर जो यहाँ पर बिल्कुल जो मदीहा वो आप देख रही हैं कि यहाँ पर बेंचेज होते थे, बैठकर
मैच देखा जाता था, यहाँ पर आगे वो फुटबॉल का जो पोल होता है वो लगा होता था ताकि गोल करने के लिए, अभी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। ऐसा फील हो रहा है कि हम माजी के झरोखों में झांक रहे हैं। और बड़ा यहाँ पे मैंने खुद यहाँ पर देखे नाजीन कि यहाँ पे मैचेस हुआ करते थे और हम खुद यहाँ पे आया करते थे अपने टीन एज में और देखा करते कि यहाँ पे मैचेस कितनी खूबसूरत ग्राउंड हुआ करती थी। आपको ये भी दिखा दें कि वहाँ बैठने की जगह वो देखिए, आपको नजर आएगा कि बैठने की जगह यहाँ पर ऑडियंस बैठा करती थी किसी जमाने में और यहाँ पर चेयर करने के लिए लोग आया करते थे। बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास मैचेस हुआ करते थे। और अब देखें कि हंगामी सूरत हाल में यहाँ पर जिस तरह से घास के पैचेस लगाए गए और पानी छोड़ा गया है। अभी मैं ट्रक देख रही हूँ, पीएचए का ट्रक वहाँ पे पैचेस कर रहा है, वहाँ पर घास लगा रहा है। वो तो मदीहा, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब हाईकोर्ट ने अहकाम दिए तो फिर इन इदारों को होश आया। जैन में अपने नाजीन को ये भी बताने की कोशिश करी हूँ कि देखने वाले सोच रहे होंगे जो यहाँ से गुजर रहे होंगे कि वाह ग्राउंड बहाल होना शुरू हो गए, लेकिन इसके पीछे कितनी तकालीफ, कितनी कोशिशें, कितनी जद्दोजहद है ये बयान करिएगा। बिल्कुल ऐसे ही मदीहा, 5 साल 47 दिन इस ये ग्राउंड कब्जे में रही है, यानी 5 साल 47 दिन तो यहाँ पे कोई खेल ही नहीं सका ना। यहाँ पे बकायदा तौर पर बड़ी बड़ी मशीनरी आके लगी, उन्होंने अपने जो प्री कॉस्ट थे वो बनाना शुरू कर दिए। अब इस ग्राउंड में मजीद इस आगे लेके चलते हैं कि पुरानी किस तरह शक्ल में बहाल करना था कि इसकी सतह हमवार होनी चाहिए थी, यहाँ पर क्रिकेट की पिच बननी चाहिए थी, वो जो हॉकी के लिए ट्रफ है वो बिछनी चाहिए थी, वो किसी जगह पे कोई नजर नहीं आ रही। अभी अभी हमें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक साहब ने ज्वाइन किया है और मोहम्मद इशफाक साहब जो है बीट भी करते हैं कोर्ट की और वकला के साथ, चाहे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ हो अली अकबर खुर्शीद साहब, तो लम्हा बलम्हा अपडेट रहती है कोर्ट के मामलात की इशफाक साहब को। इशफाक साहब, मुझे लगता है गालिबन अभी आप कोर्ट से ही आ रहे हैं, क्या मामला हुआ, 2 बजे समाअत थी? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने जब आज समाअत की तो सबसे पहले चीफ इंजीनियर LDA अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन पर सख्त भरमी का इजहार किया और ये कहा कि चीफ इंजीनियर साहब, आपने इस सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, 3 माह गुजर गए हैं, अदालती हुक्म के बावजूद दोनों ग्राउंड्स बहाल नहीं हुई और जो कुछ आपने बहाल किया है वो भी सबके सामने है। इस मौके पर DG LDA ने मदाखलत करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने कहा कि आप खामोश हो जाएं और मुझे चीफ इंजीनियर LDA से बात करने दें कि इन्होंने अब तक अदालत इमरान साहिबा फेवर कर रही थी अपने चीफ को। जी बिल्कुल, आमना इमरान साहबा कहना चाह रही थी कुछ कि मैं कुछ बताना चाहती हूं, तो जिस पर अदालत ने कहा कि आज 2 बजे तक चीफ इंजीनियर LDA ने अगर जो ये कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड बहाल कर दी है, घास लगा दी है, पानी लगाया जा रहा है और पूरा एक जो सिस्टम था उसको बहाल कर दिया गया है, तो अगर घास लगा दी है और पूरा सिस्टम बहाल किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं घास कैसे लगाई है और आप ये देख सकते हैं कि कितनी नाहमवार किस्म की ये ग्राउंड बनाई है। ये ग्राउंड जो है इसके ऊपर मैं चल नहीं पा रही तो स्टूडेंट्स खेलेंगे कैसे? जी बिल्कुल, यही जो तवज्जो दिलाई अदालत में वो यूनिवर्सिटी के वकला ने अदालत में ये कहा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत को गुमराह करने, झूठ बोलने पर चीफ इंजीनियर LDA को आज ही मुअत्तल करके दोपहर 2 बजे रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA ने अदालत से 3 मरतबा गैर मशरूत माफी मांगी और ये कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। गैर मशरूत माफी क्या होती है, जरा नाज़रीन को समझाइए। देखिए, गैर मशरूत माफी ये होती है कि मैं इस पर कोई भी साथ किसी भी चीज को अटैच नहीं कर रहा, मैं अदालत जो कह रही है वो ठीक कह रही है, तो इस पर मैं अपनी माफी चाहता हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि आप माफी छोड़ दें, आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, अदालत को गुमराह करते हैं। अच्छा, इतने सख्त अल्फाज बोले मौजूदा अदालत ने, कितने इतने ज्यादा गुस्सा भरा था। बिल्कुल, और जब जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने सख्त भरमी का इजहार किया तो इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA, DG LDA और जो दीगर सरकारी अफसरान थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे। सरकारी जो यूनिवर्सिटी के वकला थे उन्होंने ये कहा कि ना तो ग्राउंड की पवेलियन बहाल हुई है, ना वहाँ पर पिच क्रिकेट खेलने की जो पिचेस बनाई गई थी वो बहाल हुई हैं, इसके अलावा खिलाड़ियों के बैठने के लिए जगह बनाई गई थी वो बहाल हुई है, और इसके साथ साथ अहम नुक्ता सबसे ये था कि ट्यूबवेल, यहाँ पर 5 ट्यूबवेल लगाए गए हैं ग्राउंड में, जहाँ से पिछले 3 साल से
मुफ्त पानी कंपनियां लेती रही और मेट्रो बस मंसूबे पर लगाती रही हैं, उस पानी का एक रुपया भी इन्होंने पे नहीं किया। और अब जो बोर हुआ था पहले वाला, वो उससे अब रेत निकल रही है, तो लिहाजा उस ट्यूबवेल को भी बहाल करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस पर अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जरा पिछले तमाम चीजों को हम फिल्म बंद कर लें। मुझे बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर बोरिंग करने की भी इजाजत पता नहीं किससे तलब की होगी और बोरिंग तो कर ली गई और जो जमीनी पानी था उसको बगैर बिल अदा किए जो है हम इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, मुजाहिद कामरान साहब का यहाँ पे क्या सीन? अभी शेख जैन से भी मैं पूछने की कोशिश कर रही थी। मुजाहिद कामरान साहब ये कहते हैं, जो कि साबिक वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी है उसकी सेनेट की कमेटी की इजाजत के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ये मैदान इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, तो मुजाहिद कामरान साहब की जुरिस्डिक्शन थी। देखिए, आज अदालत में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील हैं अवैस खालिद, उन्होंने एक मुआयदा पेश अदालत में किया और वो मुआयदा था आहद चीमा और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कामरान मुजाहिद साहब के दरमियान एक मुआयदा हुआ था, जिसके नतीजे में ये ग्राउंड जो थी ये एलडीए को दी गई। सबसे पहला नुक्ता ये था कि ये ग्राउंड किसी भी सूरत में किसी भी तरह से एलडीए को या पब्लिक के सड़कें बनाने के लिए इन पर इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। और दूसरा, अच्छा मुझे यहाँ भी एक बात समझाइए कि आहद चीमा साहब जो कि एलडीए के चीफ थे उन दिनों, और मुजाहिद कामरान साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उन दिनों, क्या ये दोनों हजरात मिल बैठ कर इतना बड़ा मुआयदा कर सकते थे? उनकी जुरिस्डिक्शन थी। देखिए, यही बात अदालत में जेरे बहस आई है और ये तमाम चीजें गैर कानूनी थी। और ये भी गैर कानूनी था कि किसी भी तरह से कानून के तहत पार्क को किसी भी तरह से हुकूमत अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकती थी, सिर्फ उस काम के लिए इस्तेमाल ला सकती थी कि अगर इन्होंने अगर पार्क पर अंडरपास भी बनाना था तो वो तलबा व तालबात के अगर जेर इस्तेमाल आना था फिर तो वो बन सकता था, लेकिन अगर वो अंडरपास आना था आवाम के इस्तेमाल में तो फिर उस पार्क को, उस जो यूनिवर्सिटी की जमीन थी उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक चीज मुझे इस बात में ये समझ आ रही है कि उस वक्त के जो वजीर आला पंजाब हैं उनकी सरपरस्ती थी इन दोनों हजरात को, तभी इतना बड़ा गैर कानूनी कदम जो है उठाया गया। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू है ये बहुत संजीदा होती जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी, आप कहीं मत जाइए, ये हकायक जरूर जानिए ब्रेक के बाद।